हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉर्स ज़ीरस का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। आइए पहले इसका सारांश जान लेते हैं। तो इसमें कहानी की शुरुआत होती है गुरु नानक जी की एक विजिट से, जब वो एक गांव में अपने शिष्य मर्दाना के साथ गए हुए थे। वहां के गांव वाले इतने झगड़ालू थे, इतने बुरे स्वभाव के थे कि इनको गाँव में कहीं ठहरने नहीं दिया। मजबूरन इनको खुले मैदान के नीचे रात बितानी पड़ी। अगले दिन सुबह जब वो गांव छोड़कर जाने लगे तो गुरु नानक जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें और कहीं ना जाएं। तो ये सुन के मर्दाना थोड़ा सा पजल्ड हुआ, फिर भी उसने कुछ बोला नहीं। अगले दिन गुरु नानक और मर्दाना की एक दूसरे गाँव में गए, लेकिन वहाँ पर इनका स्वागत बहुत ही अलग तरीके से हुआ। गाँव वालों ने इनका स्वागत किया, इनको ठहरने के लिए स्थान दिया, इनको खाने के लिए भोजन दिया और बहुत ही दयालुता के साथ इनके साथ व्यवहार किया। अगले दिन सुबह जब ये गांव छोड़ के जाने लगे तो गुरु नानक जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें, सॉरी कि इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें बल्कि ये पूरे देश में फैल जाएं। तो ये सुन के मर्दाना थोड़ा सा पजल नहीं हुआ बल्कि अब की बार उसके धैर्य का बांध टूट गया। उसने विरोध करते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? जो लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ आप अच्छे की कामना करते हैं, और जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं आप उनके लिए बुरे की कामना करते हैं। आपको तो ऐसा कहना चाहिए था कि वे झगड़ालू लोग और बुरे लोग पूरे देश में फैल जाएं, और ये अच्छे लोग हैं ये अपने गाँव में आराम पूर्वक रहें। तो गुरु नानक जी ने कहा नहीं, ये सही नहीं है। अब ये अच्छे लोग बुरे लोग जो हैं अगर वो पूरे देश में फैलेंगे तो उनके साथ जो बुराई है वो पूरे देश में फैल जाएगी, इसलिए बेहतर है कि वो एक ही जगह रहें और वहीं पे गंदगी फैलाएं। अब अगर इन अच्छे लोगों की बात करें तो ये अच्छे लोग इतने अच्छे हैं कि इनको ये जगह पर छोड़ा नहीं जा सकता। इनके पास कुछ ऐसा है जिसकी ज़रूरत पूरे देश को है। अगर ये पूरे देश में फैल जाएंगे तो अच्छाई का प्रकाश अपने साथ लेकर जाएंगे और जहाँ जाएंगे वहीं अच्छाई फैलाएंगे। ऐसे ही एक कहानी और बताई गई है ओलंपिक गेम्स के बारे में, कि जब लंदन में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे 1948 में, तो एक मशाल ग्रीस से लंदन तक ले जाया गया था रनर्स के थ्रू। तो हर एक रनर एक सर्टेन डिस्टेंस तक एक जलता हुआ मशाल लेके दौड़ता था, और फिर जहाँ तक वो दौड़ जाता था तो एक पॉइंट पे कोई उसका वेट कर रहा होता था, एक अनलाइटेड मशाल लेकर के, टॉर्च लेकर के। जब ये उसके पास जाता तो इसके मशाल से अपनी मशाल जला लेता था और फिर वो निश्चित दूरी को दौड़ता था वहाँ तक जहाँ कोई नया उसका वेट कर रहा हो। और जब ये उसके पास ले जाता तो वो अपना मशाल जला लेता इससे, और फिर वो आगे दौड़ता। तो इस तरह से ग्रीस से लंदन तक एक मशाल ले जाया गया था, और फिर अंतिम मशाल से वहाँ लंदन में एक बड़े मशाल को जलाया गया जो तब तक जलता रहा जब तक ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। हालांकि इस बारे में कोई नाम मेंशन नहीं किया गया और ना ही कुछ कहा गया, बट यहाँ बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट ये हुआ था कि जब हैंड ओवर कर रहे थे मशाल को तो एक ने उसे बुझ जाने दिया। कितना शर्मिंदा हुआ होगा वो कि उसने इस जंजीर को, इस कड़ी को तोड़ दिया। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स दे करके राइटर जो है एक अच्छे सिटीजनशिप के करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है और हमें कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने का प्रयास करता है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अ स्टोरी टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स ही केम टू अ विलेज। बिसाइड सिम हिज डिसिपल मर्दाना ऑल्सो केम टू द विलेज। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, बट द बिल्डर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वोंट लेट देम स्टे एनी वेयर इन द विलेज। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज। गुरु नानक सेड, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज।
Madonna was somewhat puzzled at this, but said nothing. ये कहानी कही जाती है गुरु नानक के बारे में कि अपनी यात्रा के दौरान वो एक गांव में आए। उनके अतिरिक्त उनका शिष्य मर्दाना भी उनके साथ गांव आया। वे उस गांव में उस रात के लिए रुकना चाहते थे, लेकिन गांव वाले इतने असभ्य, इतने झगड़ालू थे कि उनको कहीं पर भी गांव में रुकने नहीं दिए। इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को मजबूरन खुले में रात को बिताना पड़ा, मतलब खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। जब वो गांव से जाने लगे तो गुरु नानक ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। मर्दाना थोड़ा इससे परेशान हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज वेयर दे मेट विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, ट्रीटेड देम काइंडली, फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट एंड गेव देम फूड टू ईट। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लीविंग, द गुरु नानक सेड, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन दियर विलेज बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। अगली रात को हुआ ये कि वे एक दूसरे गाँव में आए जहाँ पर उनका बहुत ही अलग तरीके से स्वागत हुआ। गाँव वालों ने उनका स्वागत किया, उनके साथ दयालुता का व्यवहार किया, उनको ठहरने के लिए जगह उपलब्ध कराया और खाने के लिए भोजन दिया। सुबह में जब गुरु नानक और मर्दाना वहाँ से जा रहे थे तो गुरु नानक जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें, सॉरी इस गांव में ना रहें बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, ही प्रोटेस्टेड। वाई ही सेड टू द गुरु, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली एंड फॉर मिसफॉर्च्यून्स फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री एंड फॉर दिस गुड पीपल टू रिमेन कम्फर्टेबली वेयर दे आर। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन ये मर्दाना के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। उसने विरोध करते हुए बोला, क्यों आप उन लोगों के साथ, सॉरी उनके लिए जो हमारे लिए अच्छे की अच्छा व्यवहार करते हैं आप बुरे की कामना करते हैं, और जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं आप उनके लिए अच्छे की कामना करते हैं। आपको तो ऐसा प्रार्थना करना चाहिए था उन्हें झगड़ालू लोगों के लिए कि वो पूरे देश में फैल जाए, और इन अच्छे लोगों को कि अपने गांव में जहाँ पे हैं वो वहाँ आराम पूर्वक रहें। नो रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक जी ने जवाब दिया कि नहीं ये गलत है। इट इज बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। नाउ दीज गुड पीपल विद हुम वी पुट अप लास्ट नाइट आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस। दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर, देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स वेयर एवर दे गो। हेंस दे आर टू बी स्कैटर्ड सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस। ये बेहतर है कि ये झगड़ालू और स्वार्थी लोग एक ही जगह पे रहें जहाँ पे वे एक ही स्थान पे नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर वे दूसरे जगहों पे जाएंगे तो उनके साथ एक बुरा प्रभाव है उसको भी लेकर जाएंगे और इस तरह से पूरे देश में फैला देंगे। अब अगर इन अच्छे लोगों की बात करें जिनके साथ हमने पिछली रात बिताई है तो ये इतने अच्छे हैं कि इनको ये जगह छोड़ा नहीं जा सकता है। उनके पास कुछ अच्छा ऐसा है जिसकी ज़रूरत हर जगह है। उनका प्रभाव, उनका चरित्र,
दूसरे लोगों के लिए लाभदायक होगा, चाहे जहां वो जाएंगी। इसलिए उन्हें फैल जाना चाहिए ताकि वो अपना अपनी अच्छाई का प्रकाश दूसरी जगहों पर भी ले जा सकें। अब ये तो स्टोरी थी, अब इससे हमें सीख क्या मिलती है। नाउ वी हैव टू सी टू इट दैट वी ग्रो इन टू सच सच सिटीजन्स दैट पीपल विल वॉन्ट द लाइट ऑफ आवर करेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ करेक्टर दैट विल मेक पीपल वॉन्ट अस टू स्टे इन वन प्लेस एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स इफ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस वेयर एवर वी गो एंड नॉट डार्कनेस। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड एंड नॉट डार्कनेस। आवर लाइफ मस्ट बी सच दैट वेयर एवर वी गो एंड वेयर एवर वी लिव अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम। अ गुड सिटीजन इज अ सेंटर ऑफ लाइट वेयर एवर ही लिव्स एंड वॉट एवर ही इज डूइंग। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन अ कंट्री द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज अ होल। अब हमको ये देखना है कि हम ऐसे नागरिक के रूप में बड़े होते हैं कि लोग हमारे चरित्र का प्रकाश और हमारा प्रभाव हर जगह चाहते हैं। हम इस तरह का चरित्र रखना नहीं चाहेंगे कि लोग ये चाहें कि हम एक ही जगह पे रहें और दूसरों से ना मिलें। अगर हमें अच्छे नागरिक बनने हैं जो अपने देश की सेवा कर सकें तो हमें अपने साथ प्रकाश लेके जाना है, चाहे जहाँ पे हम जाएं। अंधकार नहीं, हमारा प्रभाव दूसरों पर अच्छाई के लिए होना चाहिए, बुराई या अंधकार के लिए नहीं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम चाहे जहाँ जाएं, चाहे जहाँ रहें, दूसरे लोग हमारे उनके साथ रहने से अच्छा महसूस करें। एक अच्छा नागरिक जो होता है वो प्रकाश का केंद्र होता है, चाहे जहाँ वो रह रहा होता है या कुछ जो कुछ कर रहा होता है। किसी देश में अच्छे नागरिकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अधिक प्रकाशवान वो देश संपूर्ण रूप से होगा। ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स और बैड वंस। वी हैव टू डिसाइड वेदर वी शैल लिव सच लाइफ दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइफ एंड वर्क और द वर्स। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन वाट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ एवरी वन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम वे एज वी डू। ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हम में से सभी लोग हैं या फिर होंगे अपने देश के नागरिक, लेकिन हमको ये तय करना है, ये विचार करना है कि क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या फिर बुरे नागरिक बनने जा रहे हैं। हमको ये तय करना है कि हम ऐसे जीवन को जिएंगे कि हमारा देश उससे बेहतर होगा, हमारे जीवन और हमारे कार्य से या फिर बुरा। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन हमें एक कल्पना करने का प्रयास करना है कि हमारा देश कैसा होगा अगर हर कोई वैसे ही जीता है, वैसे ही काम करता है जैसा हम करते हैं। अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ईच वन ऑफ अस इज अ लिंक इन द चेन दैट इज आवर कंट्री। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स देन आवर कंट्री विल सफर। इवन दो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्व
विद अ फॉल्स आइडिया दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस व्हाट वन पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री वेयर सो मेनी पीपल लिव बट इफ वन कैंडल गोज आउट देन इन दैट वन प्लेस देयर इज डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट इट इज ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली देन द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक कोई जंजीर उतनी ही मजबूत कही जा सकती है जितना उसकी सबसे कमजोर कड़ी हम में से प्रत्येक हमारे देश रूपी जंजीर में एक कड़ी है अगर हम कमजोर हैं गरीब नागरिक हैं तो हमारा देश कष्ट झेलेगा यद्यपि हम अपने आप को झूठे विचारों से सांत्वना या संतुष्ट करने का प्रयास करें कि इससे क्या फर्क पड़ता है या इससे कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा कि एक आदमी क्या करता है किसी ऐसे विशाल देश में जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन ध्यान रहे कि अगर एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रकाश के बजाय अंधेरा हो जाता है ये तभी होगा कि जब सारे कैंडल्स जलें तब जा करके वो पूरा घर प्रकाश से भर पाएगा ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग गुड सिटीजन We must see that our particular link in the chain is not weak one. When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece, where the Olympic Games used to be held in times long ago. This flame was carried by a long relay of runners right across Europe. Each runner carrying a lighted torch. Ran for a certain distance till he came to the place where a fresh runner was waiting for him. The new runner then lit his torch from the one that had been carried to him. As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting. He had a fresh torch which he, in his turn, lit from the one brought to him. Each of us, therefore, has the responsibility of being good citizen. इसलिए हमें से प्रत्येक का दायित्व है कि हम अच्छे नागरिक बने हमको ये देखना है कि जो हमारा कड़ी है वो कहीं कमज़ोर तो नहीं है जब 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे तो एक मशाल लंदन ग्रीस से लंदन तक ले जाया गया था जहाँ पे ओलंपिक गेम्स पहले हुआ करते थे ये मशाल रनर्स या धावकों की एक कड़ी द्वारा यूँ कह लीजिए कि श्रृंखला द्वारा यूरोप के आर पार ले जाया गया था प्रत्येक रनर एक जलता हुआ मशाल लेकर के एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था तब वो एक ऐसी जगह पे आता था कि जहाँ पर एक नया रनर उसका इंतजार कर रहा होता था और फिर वो नया रनर उसके पास लाए गए टॉर्च से या मशाल से अपना टॉर्च जलाता था और जैसे ही वो ये काम करता था वो दौड़ने के लिए तत्पर हो जाता उस जगह के लिए जहाँ पर एक नया रनर उसका वेट कर रहा होता था जिसे वो अपनी बारी आने पर उस मशाल से जलाता And so, from runner to runner, the flame was carried till it reached London. From the last torch was lit the fire which burned all the time the games were going on. और इस तरह से रनर से रनर तक जो है ये मशाल लंदन ले जाया गया और अंतिम मशाल से वहाँ पे आग जलाया गया जो तब तक जल रहा था जब तक कि गेम चल रहा था Although nothing was said about it and no names were mentioned, at one place there was an accident. One runner, when handing over his torch to
to a fresh smell, let it go out. How ashamed he must have been. He had let the flame go out. He had broken the chain. यद्यपि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया और ना ही किसी नाम का उल्लेख किया गया, लेकिन एक जगह पे एक दुर्घटना हुई थी। एक रनर जब अपना हैंड मशाल हैंड ओवर कर रहा था दूसरे रनर को, तो इसको बुझ जाने दिया। कितना शर्मिंदा हुआ होगा वो। उसने मशाल को बुझ जाने दिया, उसने जंजीर को तोड़ दी। इसी तरह से ईच वन ऑफ अस एज वी लीव स्कूल हैज अ फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स। जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो हमारे पास भी एक मशाल होता है जिसे हमें दूसरों को पास करना होता है। यू हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, लेकिन ये मशाल नहीं होता है एक्चुअल में, ये ज्ञान और कौशल के रूप में मशाल होता है। दीज वी पास ऑन बाई यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, जिसका उपयोग हमने देश की सेवा में करते हैं। इफ यू डू नॉट यूज देम इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दैट, बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइव द टॉर्च दैट हैज बीन गिवन टू अस, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट एज वी रन। In other words, we have to train ourselves for citizenship and for service of our country. अगर उनको उपयोग नहीं करते हम, तो इसका मतलब यह है कि उनको हम बुझ जाने दे रहे हैं, और हमें से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन अगर हम मशाल को जलते हुए रखने में समर्थ होने जा रहे हैं, तो हमें जो हमको दिया गया है, तो हमें जानना होगा कि इसकी देख रेख कैसे करनी है, इसको पकड़ना कैसे है जब इसको लेकर हम दौड़ें। दूसरे शब्दों में, हमें अपने आप को नागरिकता के रूप में प्रशिक्षित करना होगा और अपने देश की सेवा के लिए। तो ये था चैप्टर। थैंक यू।